Hello everyone, this is Akanksha Agarwal and you are watching our channel Balaji and Tips. Today we are again here with the same topic, that is the living world. Living world की जब हम बात करते हैं तो living world में हमने अभी तक discuss किए थे certain important points, but now we are going to discuss about Animalia, the last kingdom that we are going to take first, and from backside we will move the Animalia, then planting and then rest. ठीक है, तो बात करते हैं हम एनिमेलिया की. सो किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो फार एज नीट इज कंसर्न. नीट के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एनिमेलिया जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझना, और उसको हम मैम रटते रहते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं. आप रटते हैं, आप मगअप करते हो उन कंसेप्ट को, इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं. अगर एनिमेलिया के 8 से 10 कंसेप्ट हैं, अगर आप उन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनिमेलिया याद करने की जरूरत है, एक्सेप्ट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स तो याद करने पड़ेंगे और उनके साइंटिफिक नेम्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो उसकी बाकी हम जो एनिमेलिया की फाइलम की बात करने वाले हैं, वो सारे फाइला की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने आप पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो. हम एनिमेलिया को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स उसको फाइलम के अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले, हम उसको पहले पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू क्लियर द कंसेप्ट्स. तो जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं हम पहले बोलेंगे. ये कंसेप्ट्स आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी इस टॉपिक को. तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें. उसके बराबर में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जब भी मेरी नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनिमेलिया. सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमेलिया, एनिमेलिया टर्म अपने आप में बता रहा है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल्स. ठीक है, लेकिन ये जो किंगडम है ये बहुत ही ह्यूज किंगडम है, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइलम है. ठीक है, फाइलम एक सिंगुलर टर्म है. जैसे मैंने आपको हायरार्की बताई थी, किंगडम, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 टैक्सा बताए थे, वही सारे 7 टैक्सा के अकॉर्डिंग किंगडम के बाद क्या आता है, डिविजन. लेकिन एनिमेलिया के केस में हम डिवीजन टर्म यूज नहीं करते, हम टर्म यूज करते हैं फाइलम. फाइलम इज अ सिंगुलर टर्म एंड फाइला इज अ प्लूरल टर्म. सो व्हाट आर द डिफरेंट फाइलम अंडर एनिमेलिया? फर्स्ट प्रोटोजोआ. मैं प्रोटोजोआ भी लिख रही हूं, ऑल्दो प्रोटोजोआ नाउ अ डेज इज नॉट कंसिडर्ड अंडर एनिमेलिया, बट मैं प्रोटोजोआ लिख रही हूं और वो कंसिडर क्यों नहीं होता था एनिमेलिया में वो भी बताऊंगी. प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, ओरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा. इसको टीनोफोरा कहते हैं, सी साइलेंट है, टीनोफोरा, प्लैटी हेलमेंथीस, एस्की हेलमेंथीस. एस्की हेलमेंथीस के लिए ही कभी कभी बुक्स में लिखा होता है नीमाटोडा, लेकिन मैं एस्की हेलमेंथीस लिखूंगी. एस्की हेलमेंथीस, देन आपका आएगा एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आएगा आपका हेनी कॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा. तो ये जो फाइलम है ये आपको एज इट इज याद करने हैं, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी अरेंज्ड, इवोल्यूशन के बेसिस पर कैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक,
तो उस इवोल्यूशन के बेसिस पर इनकी इनका ऑर्डर अरेंज्ड है और आपको इसी मैनर में याद करना पड़ेगा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, डिनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो गया बिल्कुल जीरो, कोई क्वेश्चन आपका सही हो ही नहीं सकता। तो कुछ चीजें हैं, मैं मानती हूं कि एनिमेलिया में काफी सारी चीजें याद करने की है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी जब हम फाइलम शुरू करेंगे, एक एक करके फाइलम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो आपके सामने सीक्वेंस है ना, ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, ट्रिक की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम लिखा रहने देंगे। नंबर वन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, किसी इन सब की बात कर रहे हैं, हम कंबाइंडली बात कर रहे हैं, उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने उठा लिया, ठीक है, सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया, अर्थवर्म ले लिया, तो अर्थवर्म के अंदर जो पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी बॉडी बनी हुई है, वो किस लेवल की बनी हुई है, वो सेल लेवल की बनी हुई है, वो टिश्यू लेवल की बनी हुई है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बनी हुई है, या वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बनी हुई है। ठीक है, सो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ फोर टाइप्स। नंबर वन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। नंबर टू, सेल्यूलर लेवल। नंबर थ्री, टिश्यू लेवल। नंबर फोर, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये बात तो सच है कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है, लेकिन सेल के बाद उसके अंदर कितना लेवल का डेवलपमेंट हुआ है वो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं बात करूं सेल्यूलर हायरार्की की, सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तो होंगे ही होंगे, बट इफ द सेल्स कंबाइन टूगेदर, सेल्स आर कंबाइनिंग टूगेदर, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विच इज कॉल्ड एज टिश्यूज। तो सेल के बाद कौन सा लेवल आता है? टिश्यू लेवल आता है। टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन कर जाते हैं तब क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, दे यूज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ये हमारी सेल्यूलर हायरार्की है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूं एनिमेलिया की। हर लेवल पर हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं एनिमेलिया में। मैं सेल्यूलर लेवल की बात करूं तो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, मैं अगर टिश्यू लेवल की बात करूं तो भी हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। बहुत वेराइटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज देयर। ठीक है, तो हमें हर लेवल पे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, हर लेवल पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इनको डिवाइड कर दिया चार लेवल्स में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्मिक लेवल? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो टर्म आया है वो इट हैज कम फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म मीन्स द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, सो द कंप्लीट एनिमल सेल इन इटसेल्फ इज अ प्रोटोप्लाज्म। वेयर इज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लांट सेल, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, सो सेल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। व्हाई? बिकॉज सेल वॉल इज डेड।
सेल वॉल डेड होती है, इसीलिए अगर सेल में से सेल वॉल माइनस कर दें दैट इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब है कि एक ही सेल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है और वो सेल सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज गवर्न करनी है, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, चाहे वो एसिमिलेशन ऑफ फूड हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, लोकोमोशन हो, ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज गवर्न बाय अ सिंगल सेल। प्रोटोप्लाज्म गवर्न कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सिंगल सेल गवर्न कर रहा है, देन दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी फाउंड ओनली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट है ना, तो लिविंग कंटेंट किसका? सिर्फ एक सेल का, सिर्फ एक सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो सारी एक्टिविटीज गवर्न कर रहा है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्रोटोजोआ के अंदर। इसीलिए मैंने प्रोटोजोआ यहां लिखा था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सो इन केस ऑफ ऑल प्रोटोजोअंस, बिकॉज ऑल प्रोटोजोअंस आर यूनिसेलुलर इन नेचर, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, सो दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के अंदर। ऑल्दो प्रोटोजोआ को आजकल हम एनिमेलियों में नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, दैट इज व्हाई दे आर स्टडीड नाउ अंडर प्रोटिस्टा, जो हमारा सेकेंड किंगडम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटोजोआ है, अब जब मैं पढ़ती थी, जब मैं 11th 12th में थी तब मैं भी प्रोटोजोआ को एनिमेलिया के अंदर ही पढ़ती थी, लेकिन अब प्रोटोजोआ को किसमें डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, और सही बात भी है क्योंकि ये क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, लेकिन इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। सो कैन आई कैन राइट हियर एग्जांपल ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल प्रोटोजोअंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारी सेल्स हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है और वो बहुत सारी सेल्स का तो बना हुआ है, मल्टी सेल्यूलर तो है, लेकिन अभी उसकी सेल्स टिश्यू नहीं बना पाई है। मतलब सेल्स तो बहुत सारे हैं बट ऑल द सेल्स आर नॉट वर्किंग टूगेदर, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन कर रही है। ठीक है, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मेनी सेल्स बट ईच एंड एवरी सेल इज परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंटली। कोई खाना ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, कोई गैमिट्स बनाने का काम कर रहा है। जब हम पॉलीफेरा पढ़ेंगे तब ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर कौन से एनिमल्स आएंगे? ऑल पॉलीफेरन्स, या मैं कहूं कौन सा फाइलम आएगा? मैं फाइलम का नाम लिख दे रही हूं, पोरीफेरा आएगा। सारे पोरीफेरन्स यहीं पर आएंगे, किसके अंदर आएंगे? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट देयर आर मेनी सेल्स बट दो सेल्स आर दे हैव नॉट अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और दे आर नॉट कंबाइनिंग टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं। एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, सपोज एक लोकोमोशन का काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक गैमेट फॉर्मेशन का काम कर रहा है, एक खाना पकड़ने का काम कर रहा है, फूड कैप्चरिंग का काम कर रहा है, लाइक दिस। So there are many cells, but all the cells are working separately from each other. Next is the tissue level of organization. If I am talking about the tissue level of organization, tissue level आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा that there are
many cells, but they are combined together to form a structure which is called as tissue. And now these tissues will be responsible to carry out the process, the different physiological processes. ठीक है, तो ये जो टिश्यू लेवल है वो किसमें मिलेगा भाई? पोरी, प्रोटोजोआ तो किसमें चला गया? प्रोटोप्लाज्मिक में. पोरी फेरा किसमें चला गया? सेल्यूलर में. तो ये टिश्यू लेवल किसमें जाएगा? सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा में. ठीक है, तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगी तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे. और इसी लेवल में याद करना तो कभी चीज भूलोगे ही नहीं. जब एग्जाम में करोगे ना तो बिल्कुल माइंड में एक एक लेवल छपता चला जाएगा, तो अपने आप आंसर सही होंगे, कुछ गलती होगी नहीं. बिल्कुल सिस्टमैटिकली याद करना, तो आपको मतलब सिस्टमैटिकली पहले समझना, याद तो अपने आप हो जाएगा. ठीक है ना, तो सिस्टमैटिकली जब पढ़ोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होंगी. अच्छा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यहां खत्म हो गया, सेल्यूलर लेवल यहां खत्म हो गया, टिश्यू लेवल कहाँ खत्म हो गया? यहाँ खत्म हो गया. जब टिश्यू लेवल यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो यहाँ से लेकर मतलब फ्रॉम प्लैटिहेलमिंथीज टू कॉर्डेटा क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, कैसे देखते हैं जरा. सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल विल बी सीलेंट्रेटर टू टीनोफोरा. टीनोफोरा कहते हैं, सी साइलेंट है इसका. ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. भाई सेल्स पे सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. जब ऑर्गन बन गए तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्गन बना होगा, बहुत सारे ऑर्गन बने होंगे. सो दीज ऑल दीज ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो जब ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल जाता है मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम अलग होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा, एंडोक्राइन सिस्टम अलग होगा, इस टाइप से. तो ये जब सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं तब हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. सो ऑर्गन सिस्टम लेवल विल बी प्रेजेंट फ्रॉम प्लैटिहेलमिंथीज टू कॉर्डेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज क्या अभी से मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ ना, एक एक सेंटेंस में क्वेश्चन है नीट का. एक एक सेंटेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच फ्रॉम विच फाइलम द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स. प्लैटिहेलमिंथीज इन विच फाइलम, मतलब आपको चार ऑप्शन दे देंगे. इन विच फाइलम द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड. आंसर विल बी सीलेंट्रेटा, या अगर ऑप्शन में हो टीनोफोरा. टीनोफोरा जनरली नहीं दिया जाता, सीलेंट्रेटा ही मिलेगा. ठीक है, टीनोफोरा इज अ माइनर फाइलम. ठीक है, सो फर्स्ट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर ये चारों चीजें आती हैं, आप इनको नोट कर लीजिए. सेकेंड इज द जर्म लेयर्स. अब मैं प्रोटोजोआ हटा दे रही हूं. प्रोटोजोआ बस बताने का मेरा कंसेप्ट यही था कि मुझे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बताना था क्या होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर क्वेश्चन आ चुका है ना. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द जर्म लेयर्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जर्म लेयर्स होती क्या है. जर्म लेयर सुन के ऐसा लगता है जैसे कीटाणु वाली लेयर. नहीं, ऐसा नहीं है. जर्म का मतलब यहां पर वो जर्म नहीं है. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन. ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूं ना, फाइलम, इंडिविजुअल फाइलम डिस्कस करने से पहले, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्म लेयर्स क्या मतलब है? जर्म लेयर्स का व्हेनेवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो जाइगोट इज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सो जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बट इट इज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. सो दैट यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स. इट अंडरगोज रिपीटेड
रिपीटेड माइटोसिस ड्यू टू विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। भाई हमें फाइनली बनानी तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनेगी? बार बार डिवीजन करने से सेल्स का नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बनती है वो कुछ स्पेसिफिक लेयर्स से मिलके बनती है, उन लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, ये तीन टाइप की होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। देयर आर थ्री जर्म लेयर्स, बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉर्म आइदर बाय टू जर्म लेयर्स और द ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म बाय थ्री जर्म लेयर्स। मतलब या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी या तो दो जर्म लेयर से बनेगी या फिर तीन जर्म लेयर से बनेगी। अगर उसकी बॉडी दो जर्म लेयर से बनी है, ये जर्म लेयर्स कैसे प्रेजेंट होती हैं? जरा पहले ये देखते हैं। सपोज ये जाइगोट है और ये जाइगोट डेवलप कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से सेल्स बना लेता है। मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूं सेल्स को। इस तरीके से सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ये कंसेप्ट आपको जब हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्लास 12 का जो टॉपिक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जर्म लेयर से बनके बनी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो आपकी लिजर्ड हो, चाहे कोई वेल हो, कुछ भी हो, कितना भी छोटा एनिमल हो और कितना ही बड़ा एनिमल क्यों ना हो, वो जर्म लेयर से बनके बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, या तो वो दो जर्म लेयर से मिलके बन रहा होगा या फिर वो तीन जर्म लेयर से मिलके बन रहा होगा। अगर वो उसके अंदर एक ये जर्म लेयर है और दूसरी जर्म लेयर ये है, द आउटर मोस्ट जर्म लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, वेयर एज द इनर जर्म लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। नाम से पता चल रहा है, एक्टो मीन्स बाहर वाली, एंडो मीन्स अंदर वाली। सॉरी तो ये जो बाहर की जर्म लेयर है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, अगर ये दोनों लेयर से मिलके कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड बाय टू जर्म लेयर्स, नेमली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि है ना उसके अंदर एक्टोडर्म और मेसोडर्म मिल जाएंगी या एंडोडर्म और मेसोडर्म मिल जाएंगी, ऐसा कोई मनमर्जी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है और दो जर्म लेयर से मिलके बन रहा है तो वो हमेशा एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही मिलके बन रहा होगा। आर गेटिंग द पॉइंट? सो एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स आर ओरिफेरा एंड सीलेंट्रेटा। इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूं कि किस किस फाइलम में हमें डिप्लोब्लास्टिक नेचर मिलेगा। ओरिफेरा एंड सीलेंट्रेटा, इसका मतलब क्या हुआ? टीनोफोरा ऑनवर्ड्स, मतलब टीनोफोरा एंड टीनोफोरा ऑनवर्ड्स आपके सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ये दो लेयर्स है, तीसरी लेयर कहां है? तीसरी लेयर इन दोनों लेयर्स के बीच में मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेसोडर्म।
दिस लेयर इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हम सब प्रोटोप्लास्टिक हैं, ठीक है। तो हमारी जो आउटर स्किन है, हमारी पूरी जो स्किन है, स्किन डेरिवेटिव्स है, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टोडर्म का बना होता है, एंडोडर्म का बना होते हैं, जितने भी हमारे गोनाड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एंडोडर्म के बने होते हैं। जबकि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म बनाती है हमारी ब्लड सेल्स, बोन्स, कार्टिलेज, ये हमारे मीजोडर्म के बने हुए होते हैं। तो ये जो जर्म लेयर्स हैं, ये आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगी, टिश्यूज बनाएंगी, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनेंगे। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉर्म बाय थ्री जर्म लेयर्स, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेफिनेशन सेम है, बस यहां आ जाएगा थ्री जर्म लेयर्स और कौन कौन सी, एक्टो, एंडो एंड मीजो, दे आर, दे कंसिस्ट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। एग्जाम्पल फ्रॉम टीनोफोरा टू कॉर्डेटा, टीनोफोरा से लेकर बाद के जितने भी फाइलम है, एक बार अगर कोई चीज किसी फाइलम में अपियर हो जाती है तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लास्ट तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे डेवलपमेंट की हम बात करें ना, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहां तक डिप्लोब्लास्टिक था और यहां से वो लेयर अपियर होनी शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं है लेयर कहीं गायब हो जाएगी, नो, लेयर विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टिल लास्ट टिल कॉर्डेटा। तो आई होप आपको आज का मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे के जो कंसेप्ट है, मतलब अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट है एनिमेलिया के, वो आगे के मैं लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, आगे के मेरे वीडियो जरूर देखते रहे, तभी आपको एनिमेलिया अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट है, या इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उसमें अगर कोई डाउट है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपके डाउट को। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।